नमस्कार दोस्तों मैं मीनाक्षी हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम बनाएंगे रगलान स्वेटर तीन से चार साल के बच्चे के लिए और हमारा जो ये स्वेटर होगा बॉटम टू टॉप होगा इसे हमने नीचे के बॉर्डर से शुरू करना है और गले के बॉर्डर पे इसको हम ख़त्म करेंगे इसके लिए मैंने ये मल्टी कलर्ड वूल ली है टोटल तीन ग्राम है मेरे पास ये वूल ये मेरे पास जो एक बॉल है वूल का ये सौ ग्राम का है तो इस तरह के मेरे पास टोटल तीन बॉल है ये एक बॉल है दो बॉल और है मेरे पास इसके लिए इसका इस स्वेटर के जो बॉर्डर होंगे वो हम बनाएंगे थ्री पॉइंट टू फाइव एम एम नीटिंग नीडल इंडियन दस नंबर की स्लाई पे सारे बॉर्डर अगला हिस्सा पिछला हिस्सा गले का बॉर्डर और हमारी दोनों बाजुओं के बॉर्डर बाकी जो मेन हिस्सा होगा हमारा जो मेन बुनाई है वो हम करेंगे इंडियन आठ नंबर फोर एम एम नीटिंग नीडल पे ये जो आ, हमारा कार्डिगन है ये जो हमारा स्वेटर है इसके लिए हमें बटन्स की भी ज़रूरत होगी अभी मेरे पास बटन्स नहीं है तो बटन्स जो है हम बाद में लगाएंगे ये मैंने इसको आ, जो इसका एक हिस्सा जो है अगला हिस्सा बोल सकते हैं इसको या पिछला हिस्सा बोल सकते हैं क्योंकि दोनों हिस्से हमारे सेम हैं चाहे वो अगला हिस्सा हो चाहे पिछला हिस्सा हो तो वो मैंने जो है उसके लिए मैंने ये फंदे डाल रखे हैं टोटल बयासी फंदे बयासी फंदों के साथ हम इसका जो है मेन हिस्सा है अगला हिस्सा जो है वो शुरू कर रहे हैं बयासी फंदों के साथ बयासी फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं इसके जो फंदे हैं ये मैंने पेयर वाले फंदे डाले हैं और ये फंदे कैसे डलेंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से देख सकते हो इसका बॉर्डर शुरू करने से पहले हम अपने फंदों को काउंट करेंगे दो दो करके यहाँ से दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौतीस छ स अठत्तीस चालीस बयालीस चौतालीस छियालीस अड़तालीस पचास बावन चौवन छप्पन अट्ठावन साठ बासठ चौसठ छियासठ अड़सठ सत्तर बहत्तर चौहत्तर छिहत्तर अठहत्तर अस्सी और बयासी तो ये टोटल हमारे पास बयासी फंदे हैं और हम अपना जो ये बॉर्डर बना रहे हैं बॉर्डर को हम मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करेंगे बॉर्डर की टोटल हमने चौदह सिलाई बुननी है सात सिलाई सीधी तरफ से और सात सिलाई उल्टी तरफ से चाहे कोई भी बॉर्डर हो चाहे अगला हिस्सा हो पिछला हिस्सा हो या दोनों बॉर्डर दोनों बाजू के बॉर्डर हों तो यहाँ पे हम अपना जो है बॉर्डर शुरू करेंगे ये जो बॉर्डर हम बना रहे हैं दो सीधे दो उल्टे का रिपैटर्न है तो यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारा दूसरा फंदा सीधा बुना और इसके बाद दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी एंड तक इसमें एंड में हमारे पास दोनों फंदे सीधे आने चाहिए तो ये मैं दो सीधे और दो उल्टे बुनते हुए अपनी सिलाई के एंड तक पहुँचूँगी तो ये हम दो सीधे और दो उल्टे फंदे फन, बुनते हुए अपनी बुनाई के लास्ट पे पहुंच रहे हैं और ये लास्ट वाले दोनों फंदे हमारे सीधे होंगे स्टार्टिंग में भी दोनों फंदे सीधे हैं और लास्ट में भी हमारे पास दोनों फंदे सीधे होंगे उल्टी तरफ बिल्कुल वैसे ही जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनेंगे सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे अब यहाँ पे ये पहले फंदे दोनों उल्टे हैं पहला फंदा बिना बुने उतारा उल्टे में दूसरा फंदा उल्टा उसके बाद सीटी जो है हमारी बनती है दो सीधे दो उल्टे तो ये हम जो बॉर्डर बनाएंगे दो सीधे और दो उल्टे फंदे बुनते हुए रिप पैटर्न बनाएंगे और ये जो बॉर्डर है इससे हमने मेजर नहीं करना मेजरिंग टेप से चौदह सिलाई टोटल बुननी है हमने इसके लिए और जब हम चौदह सिलाई बुन लेंगे उसके बाद देखेंगे कि इसकी मेजरमेंट क्या आती है तो फिलहाल मैं जो है चौदह सिलाई बुनते हुए अपने बॉर्डर को पूरा करूंगी ये मैं दूसरी सिलाई बना रही हूँ इसके बाद बारह सिलाई और बनाऊंगी और चौदह सिलाई बुन के अपने बॉर्डर को पूरा करूंगी तो ये हमने दो सीधे और दो उल्टे फंदे बुनते हुए अपने बॉर्डर की चौदह सलाइयाँ पूरी की ये मैं लास्ट सिलाई बना रही हूँ इससे पहले मैंने तेरह सिलाई बनाई है दो सीधे और दो उल्टे फंदे बुनते हुए तो ये हमने अपना बॉर्डर बनाया बयासी फंदों के साथ दस नंबर की सिलाई इंडियन दस नंबर थ्री पॉइंट टू फाइव एम एम नीटिंग नीडल तो ये हमारा बॉर्डर हो गया कंप्लीट अब हम अपने बॉर्डर को मेजर करेंगे ये बॉर्डर जो है जो भी इसकी लेंथ है जो भी इसकी मेजरमेंट आएगी आ, उसमें आ, जो है एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमने इसके लिए चौदह सिलाई बुननी है सारे बॉर्डर अगला पिछला और दोनों बाजू का अब देखते हैं कि इसकी जो मेजरमेंट कितनी आती है इसे हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे तो ये जो हमारी मेजरमेंट है चार सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है अब हमने इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बनाना शुरू करना है तो सबसे पहले हम अपनी निटिंग नीडल चेंज करेंगे आठ नंबर की फोर एम एम नीटिंग नीडल और यहाँ पे हमने कोई फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है इन्हीं फंदों के साथ बयासी फंदों के साथ ही हम इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बनाएंगे तो यहाँ हमने कोई फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है सिर्फ अपनी निटिंग नीडल चेंज करनी है तो ये मैं अपनी जो है वो चेंज कर रही हूँ सारे फंदे हम अपने जो है आठ नंबर की सिलाई पे बुनेंगे और ये हमारा जो है इसके ऊपर वाला हिस्सा प्लेन ही बनेगा जो पैटर्न है वो ये मल्टी कलर्ड तो पैटर्न अपने आप ही बनेगा जो भी बनेगा तो यहाँ हम अपनी सिलाई को जो है वो चेंज करेंगे और इसके बाद का जो हिस्सा है हमारा उसे हमने प्लेन बुनना है प्लेन मतलब कि सीधी तरफ से हमारे सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे और उल्टी तरफ से सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे तो ये हम सीधे फंदे सारे बुनते हुए अपने लास्ट के फंदों पे पहुंच गए हैं आठ नंबर की स्लाई पे अभी हमने ये सारे फंदे अपने ट्रांसफर कर लिए हैं इस तरह से इसका जो अब आगे का हिस्सा है वो प्लेन बनेगा और इसके आगे जो हमने लेंथ बनानी है वो हमें आ, लेंथ जो टोटल लेंथ चाहिए यहाँ से लेके जहाँ से हमने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं हमें टोटल लेंथ चाहिए पच्चीस सेंटीमीटर ये जो हमारी लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेट चार सेंटीमीटर की लेंथ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद हमें साढ़े बीस ये चार सेंटीमीटर से ऊपर है यहाँ पे अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये साढ़े चार के आसपास दिखा रहा तो इसका मतलब यह हुआ कि साढ़े बीस सेंटीमीटर की लेंथ हमें और बनानी है प्लेन तो इसके बाद का हिस्सा हम प्लेन बनाएंगे सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुनेंगे और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे हमने जो है बयासी फंदों के साथ ये वाला हिस्सा शुरू किया था उसके बाद कोई भी फंदा हमने बढ़ाया नहीं है सिर्फ हमने अपनी ये सिलाई चेंज की है निटिंग नीडल तो आठ नंबर की स्लाई जो अभी हमने चेंज की है इसी स्लाई के साथ हम अपनी जो लेंथ है उसको पूरा करेंगे टोटल लेंथ पच्चीस सेंटीमीटर तक बनाएंगे जिसमें से ये बॉर्डर की लेंथ जो है वो साढ़े चार सेंटीमीटर के आसपास है इसके बाद की जो हमारी लेंथ होगी वो हमारी प्लेन होगी सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुनेंगे और उल्टी तरफ से उनको सारे फंदे हम जो है वो उल्टे बुनेंगे तो अभी मैं अपनी जो 25 सेंटीमीटर की लेंथ है वो पूरी करूंगी अब अगली जो हम मेजरमेंट लेंगे वो यहां से 25 सेंटीमीटर की लेंथ जहां से हमने अपने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुनते हुए और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए हमने अपनी जो ये प्लेन वाली लेंथ है वो पूरी कर ली है जो हमने बॉर्डर बनाया था चौदह सिलाई का बॉर्डर था हमारा सात सिलाई सीधी तरफ से और सात सिलाई उल्टी तरफ उल्टी तरफ से और हमें जो टोटल लेंथ चाहिए थी बॉर्डर के साथ वो चाहिए थी हमें पच्चीस सेंटीमीटर की जो कि हमने पूरी कर ली है तो यहाँ पे एक बार इससे अगला हिस्सा शुरू करने से पहले मैं अपनी जो लेंथ uh, है टोटल उसको मेजर करूँगी ये जो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से शुरू करते हुए बिल्कुल लास्ट स्लाई तक हम अपनी जो लेंथ है उसको मेजर करेंगे और हमारी ये जो लेंथ है वो है पच्चीस सेंटीमीटर की अब इसके बाद हम इसका अगला हिस्सा शुरू करेंगे रेगलान का उसके लिए सबसे पहले हमने दोनों तरफ दो दो फंदे घटाने हैं स्टार्टिंग के जो दो फंदे घटेंगे वो सीधी सिलाई में घटेंगे और एंड के जो दो फंदे घटेंगे वो उल्टी सिलाई में घटेंगे तो यहाँ पे मैं पहले स्टार्टिंग के दो फंदे जो हैं वो घटाऊंगी पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद दूसरा फंदा हमने सीधा बुनना है और ये हमने दो फंदे जो हैं वो घटा लिए हैं और उसके बाद सारी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी हमने ये जो दोनों दो तरफ दो दो फंदे घटाने हैं सीधी तरफ वाले जो स्टार्टिंग के फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुनते हुए सीधी सिलाई में घटाएंगे और उसके बाद पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी और उल्टी तरफ के जो फंदे हमने दो घटाने हैं वो हम उल्टी सिलाई में घटाएंगे अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ अब दो फंदे हमने उल्टी सिलाई में घटाने हैं पहला फंदा बिना बुने उतारा दूसरा फंदा उल्टा बुना तो ये हमने पहला फंदा घटाया और ये हम दूसरा फंदा घटा रहे हैं पूरी सिलाई बाकी की हमारी उल्टी बुनी जाएगी सारे फंदे हमने एंड तक उल्टे बुनने हैं तो ये हमने दोनों तरफ दो दो फंदे घटा लिए हैं दो फंदे हम हमने जो है एंड में घटाए हैं और दो फंदे हमने स्टार्टिंग में घटाए हैं तो टोटल चार फंदे अब तक हम घटा चुके हैं हमारे पास ये जो हमने स्टार्ट किया था ये वाला हिस्सा बनाना तो फंदे थे बयासी फंदे एटी टू जिसमें से हमने चार फंदे घटा दिए हैं दो फंदे इस तरफ और दो फंदे इस तरफ तो अब हमारे पास यहाँ पे बचे अठहत्तर फंदे सेवेंटी एट इससे अगला हिस्सा जो है हम अठहत्तर फंदों के साथ शुरू करेंगे और देखते हैं एंड तक हम कितने फंदे घटा पाते हैं ये जो हम स्वेटर बना रहे हैं इसकी हमें टोटल लेंथ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके रेगलान की पूरी शेप देने के बाद जो हमें लेंथ चाहिए वो चाहिए चालीस सेंटीमीटर की फोर्टी सेंटीमीटर की लेंथ अभी तक हमने जो लेंथ बनाई है वो है हमारी पच्चीस सेंटीमीटर की लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर की लेंथ इसका मतलब ये हुआ कि हमें पंद्रह सेंटीमीटर की लेंथ और बनानी है तो यहाँ हम जो ये हम रेगलान की शेप देने के लिए फंदे घटाएंगे, वो फंदे हम इस तरह से घटाएंगे कि हमारी जो लेंथ है वो चालीस सेंटीमीटर तक हम उसको पूरी कर पाएँ तो हमने पंद्रह सेंटीमीटर की लेंथ में रेगलान के फंदे घटाने हैं रेगलान की शेप देते हुए फंदे घटाने हैं और अपनी लेंथ को पंद्रह सेंटीमीटर और बनाना है यहाँ पे जो हम अपने फंदे घटाएंगे सीधी सिलाई में ही दोनों तरफ फंदे घटाएंगे अभी देखते हैं कि हम जो अपनी पंद्रह सेंटीमीटर की रेगलान की लेंथ है उसमें कितने फंदे घटा पाते हैं तो यहाँ पे हम जो अपने फंदे घटाने शुरू करेंगे रेगलान की शेप के वो हमने सीधी सिलाई में ही घटाने हैं दोनों तरफ स्टार्टिंग में भी एंड में भी तो उसकी जो आ, मैंने ये घटाने शुरू किए हैं वो इस तरह से हम घटाएंगे पहला फंदा बिना बुने उतारा उसके बाद दो फंदे सीधे बुनेंगे तो यहाँ पे हम पहले तीन फंदे रखेंगे स्टार्टिंग में एंड में भी हमने तीन फंदे ही रखने हैं इसी तरह से ताकि दोनों तरफ एक जैसी ही आ, ये जो साइड में है एक जैसी सिमेट्री आए है। यह है तीन फंदे तीन फंदों के बाद हम दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे तो ये हमने फंदा घटाया इसी तरह से हमने एंड तक जो है अपने फंदे घटाने हैं तीन फंदे पहला फंदा बिना बुने उतारा दो फंदे सीधे बुने तो ये हो गए तीन फंदे इसके बाद हमने दो फंदे इकट्ठे बुने उल्टे में इससे ये होगा कि लास्ट तक जो है हमें थोड़ा सा फंदों का ध्यान रहता है कि हमने कितने फंदे घटाए हैं या फिर हमने कहाँ पे फंदा घटाना है तो इसके बाद उनको पीछे किया लास्ट के छह फंदों तक हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं लास्ट के छ फंदों तक पूरी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी पूरी सिलाई हमने सीधी बुनी है सारे फंदे बीच के हमने सीधे बुने हैं तो देखते लास्ट में कितने फंदे बचे दो चार छ तो यहाँ पे तीन फंदे हमें सीधे चाहिए और दो फंदे ये हैं जिनको हमने उल्टा बुनना है दोनों इकट्ठे तो ये लास्ट वाला फंदा सीधा उनको अपनी तरफ किया अब ये पांच फंदे हैं पांच फंदों में से पहले दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे दो का एक उल्टे बुनते हुए उसके बाद तीन फंदे सीधे तो हमने पूरे फंदे जितने भी घटाने हैं अपनी पंद्रह सेंटीमीटर की जो हमने लेंथ पूरी करनी है रगलान की वो इसी तरह से पूरी करेंगे साइडों के तीन तीन फंदे जो है वो प्लेन होंगे और उनके साथ दो फंदे इकट्ठे बुनते हुए उल्टे जो है हम अपनी रगलान की शेप बनाएंगे उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी जाएगी उल्टी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं घटाना ये जो रेगलान की हम शेप बनाते हैं उसके लिए हम सारे फंदे जितने भी घटाते हैं सारे के सारे फंदे हम सीधी सिलाई में घटाते हैं दोनों तरफ स्टार्टिंग में भी और एंड में भी तो उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी बुनी जाएगी अब फिर आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा दो फंदे सीधे बुने उसके बाद दो फंदे इकट्ठे बुने और बीच वाले फंदे सारे हम सीधे बुनेंगे लास्ट के पांच फंदों तक ये आगे हम लास्ट के पांच फंदों पे तो ये दोनों फंदे इकट्ठे बुनेंगे उल्टे में उनको पीछे किया तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन तो इसी समिट्री में हमने जो है अपने रगलान के फंदे घटाने हैं साइडों पे तीन तीन फंदे हमारे जो है वो सीधे रहेंगे और जो हमने दो फंदे इकट्ठे बुनने हैं उनको उल्टा बुनते हुए हमने इकट्ठे बुनना है दो का एक जो करना है उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी बुनी जाएगी और हमने जो अपनी ये शेप के लिए फंदे घटाने हैं उसकी लेंथ होगी हमारी पंद्रह सेंटीमीटर पंद्रह सेंटीमीटर की लेंथ हमने यहाँ से जहाँ से हमने फंदे घटाने शुरू किए हैं वहाँ से पंद्रह सेंटीमीटर की लेंथ हमने बनानी है इसमें कितने फंदे घटते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे दोनों तरफ हमने फंदे घटाने हैं और टोटल लेंथ जो होगी हमारी यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पूरी जो रेगलान की शेप देने के बाद हमारी जो टोटल लेंथ होगी वो अप्रॉक्सीमेट चालीस सेंटीमीटर हो चालीस सेंटीमीटर की होगी प्लेन हिस्सा और हमारा जो ये बॉर्डर है इसकी टोटल लेंथ है पच्चीस सेंटीमीटर पंद्रह सेंटीमीटर की लेंथ हमें और बनानी है तो दोनों तरफ एक एक फंदा रेगलान की शेप देने के लिए घटाते हुए मैं अपनी जो लेंथ है पंद्रह सेंटीमीटर की रेगलान की लेंथ को पूरा करूंगी तो ये हमने अपनी रेगलान की जो लेंथ है वो पूरी कर ली है दोनों तरफ हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा घटाते हुए अपने जो हमने ये फंदे घटाए हैं उनकी काउंटिंग से पहले हम इसको आ, अपना जो ये पीस है इसको टोटल मेजर करेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक हमारी जो प्लेन वाली ये लेंथ थी जिसमें रेगलान की शेप से पहले जो हमारी लेंथ थी वो 25 सेंटीमीटर थी अभी हमें जो लेंथ चाहिए 40 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए क्योंकि हमारी जो रेगलान की लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर के आसपास है तो इसको हम एक बार ये जो फंदे हैं काउंट करने से पहले हम इसको एक बार मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे और मेजर करते हुए इसको खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी बिल्कुल इस तरह से स्मूथली जो है साथ रखते हुए हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमारी जो लेंथ है ये है अप्रोक्सीमेट लगभग फोर्टी सेंटीमीटर्स की लेंथ है ये हमारी और ये फोर्टी सेंटीमीटर्स की लेंथ में पच्चीस सेंटीमीटर की लेंथ है हमारी ये प्लेन हिस्सा और हमारा ये बॉर्डर और पंद्रह सेंटीमीटर की लेंथ है हमारी ये जो रेगुलान की शेप देने के लिए हमने फंदे घटाए हैं यहाँ से अगर देखेंगे तो लगभग चार सेंटीमीटर की लेंथ हमारी बॉर्डर की है और ये जो यहाँ से रेगलान का जो हिस्सा हमने शुरू किया है वो यहाँ से इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमने इसकी शेप देने के लिए फंदे घटाने शुरू किए थे ये है पच्चीस सेंटीमीटर और हमारी जो ये ऊपर का हिस्सा है ये है पंद्रह सेंटीमीटर तो टोटल लेंथ है हमारी चालीस सेंटीमीटर बॉर्डर के स्टार्ट से लेके रिग्लान के जो हमने फंदे घटाए हैं अपना जो ये फ्रंट और बैक जो भी हिस्सा है इसको पूरा करने के लिए जितनी हमारी टोटल लंबाई है वो है चालीस सेंटीमीटर जिस तरह से हमने ये एक हिस्सा बनाया है सेम उसी तरह से हमने इसका दूसरा हिस्सा भी बनाया है अभी मैं यहाँ पे एक पर ये जो रेगलान की शेप देने के लिए हमने फंदे घटाए हैं मैं उनको काउंट करूँगी ये दो फंदे तो हमने रेगलान शेप से पहले घटाए थे दोनों तरफ दो फंदे ये हैं सीधी तरफ और ये दो ही फंदे जो हैं हमारे ये उल्टी तरफ है सीधी तरफ के फंदे हमने सीधी सिलाई में घटाए हैं उल्टी तरफ के फंदे हमने उल्टी सिलाई में घटाए हैं तो यहाँ हम ये काउंट करेंगे अपने फंदे जो हमने रेगलान की शेप देने के लिए घटाए हैं तो यहाँ से एक साइड के काउंट करेंगे तो उससे डबल होंगे क्योंकि दोनों तरफ जो है हमने सेम ही फंदे घटाए हैं यहाँ से शुरू करते हैं आ, ये जो हमने उल्टा फंद उ, उल्टे में दो दो का एक किया था दो फंदे इकट्ठे बुने थे उनको काउंट करेंगे यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तो टोटल तो हमने एक तरफ बाईस फंदे घटाए दूसरी तरफ बाईस फंदे घटाए तो टोटल हो गए हमारे पास चौतालीस फंदे फोर्टी फोर 22 ट्वेंटी टू स्टिचेस, ट्वेंटी टू फोर्टी फोर चार फंदे हमारे ये हैं जो कि हमने uh, यहाँ पे घटाए हैं दोनों तरफ दो फंदे सीधी तरफ दो फंदे उल्टी तरफ तो टोटल हमने 48 फंदे 48 स्टिचेस जो है वो घटाए हैं अब मैं यहाँ पे एक बार ये देखूंगी हमारे पास कितने फंदे बचते हैं बयासी फंदों में से इन फंदों को हम दो दो करके घटा जो है काउंट करेंगे दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौतीस तो हमारे पास बयासी फंदों में से 48 फंदे घटाने के बाद 34 फंदे बाकी बचते हैं टोटल स्टिचेस थे 82, जिसमें से हमने डिक्रीज uh, किए 48, तो हमारे पास बाकी बचे 34 फोर ये जो हमने हिस्सा बनाया है बयासी फंदों के साथ हमने शुरू किया था और ये जो है पेयर वाले फंदे हमने डाले थे इसका जो बॉर्डर बनाया चौदह सिलाई का बॉर्डर था हमने चौदह सिलाई बुनने के बाद इसको मेजर किया कि इस, इसकी लेंथ कितनी है ये अप्रॉक्सीमेट चा, चार सेंटीमीटर के आसपास है चार से कम हो या ज़्यादा हो आ, उसको हमने ध्यान में नहीं दिया हमने सिर्फ इसकी सिलाइयाँ गिनी चौदह सात सिलाई सीधी तरफ से सात सिलाई उल्टी तरफ से दो सीधे और दो उल्टे का रिप पैटर्न उसके बाद हमने बयासी फंदों के साथ आ, ये जो हमारा अगला हिस्सा बनाया प्लेन वाला ये जो हमने बॉर्डर बनाया दस नंबर की सिलाई पे बनाया इंडियन दस नंबर थ्री पॉइंट टू फाइव एम एम इसका ये ऊपर वाला जो प्लेन हिस्सा है इसको हमने आठ नंबर की सिलाई पे बनाया इंडियन आठ नंबर फोर एम नीडल और ये जो प्लेन हिस्सा है इसकी जो लेंथ है ये लगभग इक्कीस सेंटीमीटर के आसपास है क्योंकि बॉर्डर और ये प्लेन हिस्सा दोनों की मिला के लेंथ हमें पच्चीस सेंटीमीटर के आसपास चाहिए थी तो अप्रॉक्सीमेट पच्चीस सेंटीमीटर की लेंथ हमने ये प्लेन बनाई प्लेन जो लेंथ है पच्चीस सेंटीमीटर की बनाने के बाद हमने अपनी रेगलान की शेप देने के लिए फंदे घटाने शुरू किए स्टार्टिंग में दोनों तरफ दो दो फंदे घटाए उसके बाद हमने हर सीधी सिलाई में दोनों साइडों पे एक एक फंदा घटाया एंड तक अपनी लेंथ को पूरा करने के लिए रगलान की लेंथ और ये लेंथ हमें चाहिए थी पंद्रह सेंटीमीटर के आसपास इसके लिए हमने टोटल चौतालीस फंदे घटाए फोर्टी फोर स्ट्रेच बाईस फंदे एक तरफ और बाईस फंदे एक तरफ जिससे कि हमारी इस हिस्से की लेंथ फोर्टी सेंटीमीटर्स पूरी हुई जिस तरह से हमने ये एक हिस्सा बनाया सेम उसी तरह से बिल्कुल दूसरा हिस्सा बनाया ये मैं उसको बना चुकी हूं तो यहां पे अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख के मेजर करेंगे तो ये बिल्कुल सेम होंगे बिल्कुल सेम फंदे डाले हमने सेम इसमें बॉर्डर के जो बॉर्डर की लेंथ सेम है ये वाले हिस्से की लेंथ सेम है और वैसे ही हमने फंदे घटाए लास्ट में हमारे पास इसमें भी चौथे फंदे बचे हम जो ये बॉर्डर बना रहे हैं दोनों अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा और दोनों बाजू उनकी लेंथ सेम होगी चौदह सिलाई हम बुनेंगे सात सिलाई सीधी तरफ से और सात सिलाई उल्टी तरफ से दो सीधे और दो उल्टे का रिप पैटर्न ये हो गया हमारा अगला और पिछला हिस्सा और इसमें एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो रेगलान की हम शेप बनाते हैं उसमें बाजू और जो अगले पिछले हिस्से होते हैं उनमें जो रेगलान की शेप देने के लिए फंदे घटाते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं मतलब कि यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहां यहाँ तक टोटल जितने हमने फंदे घटाए हैं हमारे बाजू और अगले पिछले हिस्से की जो बुनाई होगी वो बिल्कुल सेम होगी तो ये हमारा अगला और पिछला हिस्सा कंप्लीट हुआ अब इसके बाद हम अपनी बाजू बनाना शुरू करेंगे तो इसको हम साइड पे रखते हैं ये मैंने बाजू जो है उसका बॉर्डर जो है वो बना रखा है बाजू के लिए हमने अठतीस फंदे लिए हैं थर्टी एट स्टिचेस अठतीस फंदों के साथ हमने चौदह सिलाई अपनी जो दो सीधे दो उल्टे के पैटर्न की बनाई है सात सिलाई सीधी तरफ से और सात सिलाई हमारी उल्टी तरफ से अब यहाँ से हम जो है अपनी बाजू का अगला हिस्सा प्लेन वाला हिस्सा वो शुरू करेंगे उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी जो अगली सिलाई बनूंगी उसमें आठ नंबर की सिलाई लगाऊंगी फोर एम एम नीटिंग और उसके बाद हम इसके जो फंदे बढ़ाने हैं वो शुरू करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी सिलाई चेंज करेंगे और सारे फंदे सीधे बुनेंगे हमारा जो ये रिप पैटर्न हमने बनाया है दो सीधे और दो उल्टे का सीधा बिल्कुल वैसे ही बनाया है जिस तरह से हमने अगले और पिछले हिस्से का बनाया है कि सात सिलाई सीधी तरफ से सात सिलाई उल्टी तरफ से टोटल चौदह सिलाई का रिप पैटर्न हमने ये बनाया है तो ये मैं पहली सिलाई बिल्कुल सीधी और उसके बाद एक सिलाई उल्टी बोलूंगी तो ये हमने दो सिलाई बना ली है बिल्कुल प्लेन एक सिलाई सीधी तरफ से और दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से और इसकी हमने सिलाई भी चेंज की बॉर्डर बनाने के बाद अब हमने ये जो इसकी टोटल लेंथ हमें चाहिए बॉर्डर के साथ वो चाहिए हमें इसकी अट्ठाईस सेंटीमीटर के आसपास तो उसके लिए हम जो है इसकी जो अगली लेंथ बनाएंगे ये जो बॉर्डर है हमारा बॉर्डर लगभग चार सेंटीमीटर का है तो हमें 28 सेंटीमीटर की लेंथ जो है और बनानी है तो लगभग 24 सेंटीमीटर की लेंथ हम जो है आ, इसके प्लेन हिस्से ही बनाएंगे और इसी में हम फंदे भी बढ़ाएंगे अपनी बाजू की शेप देने के लिए इसमें जो हमने फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि ये सिलाई भी जो है थोड़ी सी मोटी है और ये ऊन भी थोड़ी सी मोटी है नॉर्मल से तो इसलिए हम इसमें जो फंदे बढ़ाएंगे हर छठी सिलाई में बढ़ाएंगे हर चौथी सिलाई में नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये मैं पहली सिलाई में फंदा बढ़ा रही हूँ एच स्टिच बिना बुने उतारा उसके बाद यहाँ पे हम ये फंदा बढ़ाएंगे तो हर सीधी सिलाई में हम दोनों तरफ एच स्टिच के साथ फंदा बढ़ाएंगे तो ये मैंने एक तरफ फंदा बढ़ा लिया है एच स्टिच के साथ उसके बाद ये बीच वाले फंदे में प्लेन बुन रही हूँ एंड तक लास्ट के दो फंदों तक और हमने जो फंदा बढ़ाना है एच स्टिच के साथ बढ़ाना है एच स्टिच से जो पहला फंदा है एच स्टिच के साथ का जो भी फंदा है चाहे स्टार्टिंग वाला हो चाहे एंड वाला हो उसके साथ हमने फंदा बढ़ाना है एच स्टिच uh, जो है उसके साथ नहीं बढ़ाना है तो यहाँ पे ये है हमारा एच स्टिच एच स्टिच से पहले फंदे के साथ हम फंदा बढ़ाएंगे क्योंकि इस तरफ जो हमने फंदा बढ़ाया ये एच स्टिच है एच स्टिच के बाद का जो फंदा है उसके साथ फंदा बढ़ाया तो लास्ट में एच स्टिच से पहले फंदे के साथ हम फंदा बढ़ाएंगे तो ये हमने फंदा बढ़ा लिया है इसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे अब आगे हम सीधी सिलाई पे। पिछली सीधी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया था यहाँ हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे पूरी सिलाई हम प्लेन ही बुनेंगे सीधी तरफ से सारी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी अब आगे हम अपनी उल्टी सिलाई पे बुनाई की उल्टी सिलाई में तो वैसे भी हम ना कोई फंदा बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं तो उल्टी सिलाई सारी प्लेन बुनी जाएगी एच स्टिच बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद पूरी सिलाई हम प्लेन बुनेंगे सारे फंदे हमारे प्लेन बुने जाएंगे अब फिर आगे हम अपनी सीधी सिलाई पे अब पिछली सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया था तो इस सिलाई में भी हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना मतलब कि एक बार फंदा बढ़ाने के बाद हमने दो सीधी सिलाई बुननी है जिसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना एक सीधी सिलाई हमने पिछली बार बुनी अब यहाँ पे मैं दूसरी सीधी सिलाई बना रही हूँ इसमें भी हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे इसे भी हम प्लेन ही बुनेंगे पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ पूरी सिलाई प्लेन बुनेंगे पहला फंदा बिना बुने उतारा एच स्टिच है और उसके बाद सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी तो ये हम फिर अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ गए एक बार फंदा हमने जो सीधी सिलाई में बढ़ाया दोनों तरफ उसके बाद हमने पांच सिलाई बुनी दो सिलाई सीधी तरफ से तीन सिलाई उल्टी तरफ से टोटल पांच सिलाई अब ये हम छठी सिलाई बना रहे हैं सीधी सिलाई इसमें हम दोनों तरफ दोबारा फंदा बढ़ाएंगे पहला फंदा बिना बुने उतारा और यहाँ पे ये हम फंदा बढ़ाएंगे पूरी सिलाई हमारी जो है एंड के दो फंदों तक प्लेन बुनी जाएगी बीच के जो फंदे हैं तो ये आगे हम अपने फंदों के एंड पे अब यहाँ फिर फंदा बढ़ाएंगे तो ये हमने दो बार दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाया अब यहां पहली जो सीधी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया उसके बाद पांच सिलाई हमने प्लेन बुनी तीन सिलाई जो है वो उल्टी बुनी दो सिलाई सीधी बुनी उसके बाद जो छठी सीधी सिलाई थी उसमें हमने दोनों तरफ फिर फंदा बढ़ाया तो इसी तरह से हमने हर छठी सिलाई में जो है दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना है और अपनी लेंथ को अट्ठाईस सेंटीमीटर पूरी करना है बॉर्डर से लेके जहां तक हमने अपनी कंधे की शेप देने के बाजू की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं और एग्लान की शेप शुरू करनी है वहां तक की जो हमें लेंथ चाहिए वो चाहिए अट्ठाईस सेंटीमीटर मतलब कि अगर मैं इसको मेजर करूं यहां तक हमारी जो लेंथ है वो है सात सेंटीमीटर तो सात सेंटीमीटर के आसपास हमारी लेंथ बन चुकी है इक्कीस सेंटीमीटर की लेंथ हमें और बनानी है जिसमें कि हमें बाजू की शेप देने के लिए दोनों तरफ फंदे भी बढ़ाने हैं तो देखते हैं हम कितने फंदे बढ़ा पाते हैं और ये जो फंदे हैं हर छठी सिलाई में बढ़ाने हैं एंड तक तो अभी मैं इसी तरह से हर छठी सिलाई में फंदे बढ़ाते हुए अपनी बाजू की लेंथ को पूरा करूंगी तो ये हमने अपनी बाजू की 28 सेंटीमीटर की लेंथ कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ हमने अपने बाजू के दोनों तरफ फंदे भी बढ़ाए हैं बाजू की शेप देने के लिए हमने जो ये 28 सेंटीमीटर की लेंथ पूरी की है इसमें जो हमारे फंदे बड़े हैं वो बड़े हैं 24 फंदे टोटल बारह फंदे एक तरफ और बारह फंदे दूसरी तरफ ये जो फंदे हैं इनकी काउंटिंग से पहले हम यहाँ पे एक बार अपनी जो लेंथ है उसे मेजर करेंगे मेजरिंग टेप से ये जो हमारा बिल्कुल बॉर्डर का एज है जहाँ से हमने अपना बॉर्डर शुरू किया था वहाँ से लेके यहाँ तक हमें अट्ठाईस सेंटीमीटर की टोटल लेंथ चाहिए तो सबसे पहले हम इसको बिना खींचे अपनी जो लेंथ है उसे मेजर करेंगे तो हमारी जो ये लेंथ है ये है 28 सेंटीमीटर अब इसके बाद मैं यहाँ अपने फंदों को काउंट करूंगी जो हमने अपने फंदे बढ़ाए हैं हर छठी सिलाई में जिस तरह से हमने एक तरफ फंदे बढ़ाए हैं उसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी फंदे बढ़ाए हैं तो यहाँ पे ये यह जो हर छठी सिलाई में फंदे हमने बढ़ाए हैं अभी मैं उनको एक एक करके काउंट करूँगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह तो बारह फंदे एक तरफ और बारह फंदे दूसरी तरफ हमने जब अपनी ये बाजू बनानी शुरू की थी तो स्टार्टिंग में हमने जो फंदे डाले थे वो थे हमारे पास अट्ठतीस फंदे टोटल थर्टी एट स्टेचेस चौबीस फंदे हमने और बनाए हैं तो अभी यहाँ पे हम काउंट करेंगे अपने फंदों को कि हमारे पास टोटल कितने फंदे हुए दो दो करके काउंट करेंगे अपने फंदों को दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौतीस छत्तीस अठत्तीस चालीस बयालीस चौतालीस, छियालीस अड़तालीस पचास बावन चौवन छप्पन अट्ठावन साठ और दो बासठ तो अब हमारे पास यहाँ पे हैं टोटल बासठ फंदे और इसके बाद हमें अपनी जो है रेगलान की शेप जो बनानी है वो हम शुरू करेंगे हमारी जो रेगलान की शेप होगी बिल्कुल सेम वैसे होगी जिस तरह से हमने हमारे जो अगले और पिछले हिस्से की बनाई थी स्टार्टिंग में दोनों तरफ दो दो, दो फंदे घटाएंगे और उसके बाद ये जो है बाईस फंदे एक तरफ और बाईस फंदे हमने दूसरी तरफ घटाने हैं बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने जो है अपनी बाजू की रगलान की शेप हम जो है वो बनाएंगे तो अभी मैं अपनी जो आगे की रगलान की शेप है उसको पूरा करूंगी जिस तरह से हमने अगले और पिछले हिस्से की रगलान की शेप बनाई है बाजू का रगलान वाला हिस्सा जो है हमने वो कंप्लीट कर लिया है जिसमें बाईस बाईस फंदे हमने रेगलान की शेप देने के लिए दोनों तरफ घटाए हैं क्योंकि हमारा जो अगला और पिछला हिस्सा है रेगलान का उसमें भी हमने बाईस बाईस फंदे जो है दोनों तरफ घटाए थे और उससे पहले दो दो फंदे घटाए थे सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी हमारी जो ये बाजू है बाजू की लेंथ रेगलान की शेप देने से पहले जो रेगलान के हमने फंदे घटाए हैं उससे पहले हमारी बाजू की लेंथ थी अट्ठाईस सेंटीमीटर पंद्रह सेंटीमीटर की लेंथ है हमारी जो रेगलान वाली है रेगलान का जो हिस्सा है जिसमें हमने फंदे घटाए हैं तो अभी एक बार हम अपनी टोटल लेंथ काउंट कर यहाँ पे मेजर करेंगे कि कितनी है ये फोर्टी थ्री होनी चाहिए क्योंकि अट्ठाईस सेंटीमीटर जो लेंथ थी वो इस हिस्से की थी पंद्रह सेंटीमीटर जो लेंथ है वो रेगलान वाले हिस्से की है तो टोटल होगी हमारी तरतालीस सेंटीमीटर फोर्टी थ्री सेंटीमीटर्स तो ये मेरे पास मेजरिंग टेप है और मेजरिंग टेप से एक बार हम अपनी जो लेंथ है उसको यहाँ एक पर मेजर कर लेते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हमारी ये बॉर्डर की स्टार्टिंग है वहाँ से लेके एंड तक हमारी जो लेंथ है उसको हम बिना खींचे इसको हमने खींचना नहीं है बिल्कुल भी तो बिना खींचे हम इसको तो ये अप्रॉक्सीमेट फोर्टी थ्री सेंटीमीटर है लगभग क्योंकि जो हमारी रगलान की शेप है वो बिल्कुल सेम होगी अगले और पिछले हिस्से के साथ तो उसके हिसाब से ये फोर्टी थ्री के आसपास ही है हमारी रगलान की लेंथ यहाँ से हम शुरू करते हैं तो ये होगी हमारी टोटल लेंथ हमारी बाजू की फोर्टी थ्री सेंटीमीटर के आसपास और इसमें जो हमारे फंदे थे जब हमने अपनी ये बाजू शुरू की तो हमारे पास फंदे थे अट्ठतीस फंदे थर्टी एट स्टिचेज जिसके साथ हमने ये चौदह सिलाई बुनी अपने बॉर्डर की दो सीधा दो उल्टा करीब पैटर्न था हमारे बॉर्डर का चौदह सिलाई का चौदह सिलाई की लेंथ बनाने के बाद हमने जो है अपने दोनों तरफ फंदे बढ़ाए बाजू को बाजू की शेप देने के लिए जिसमें कि हमने हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ाया और टोटल हमने चौबीस फंदे बढ़ाए बारह फंदे एक तरफ और बारह फंदे दूसरी तरफ तो टोटल हमारे जो है चौबीस फंदे बढ़े जिसके बाद हमारे पास टोटल फंदे हुए बासठ फंदे सिक्सटी टू स्टिचेस अठतीस फंदे जिनके साथ हमने अपनी बाजू को शुरू किया था और चौबीस फंदे हमने बढ़ाए अपनी बाजू की शेप देने के लिए तो टोटल हुए हमारे पास बासठ फंदे सिक्सटी टू स्टिचेस लेंथ हुई हमारी पच्चीस सेंटीमीटर की जहाँ तक हमने अपने फंदे बढ़ाए उसके बाद जो रेगलान की शेप देने के लिए हमने बाईस बाईस फंदे दोनों तरफ ये कंटिन्यूसली बढ़ाए हर सीधी स्लाई में घटाए हर सीधी सिलाई में रेगलान की शेप देने के लिए और इस शेप को शुरू करने से पहले हमने दो दो फंदे दोनों तरफ घटाए ये दो फंदे सीधी तरफ और दो फंदे उल्टी तरफ लास्ट में हमारे पास जो ये फंदे बचे वो बचे चौदह फंदे क्योंकि हमारे पास टोटल फंदे थे बासठ जो फंदे हमने घटाए बाईस फंदे ये बाईस फंदे ये तो चौतालीस फंदे फोर्टी फोर स्टिचेस दो फंदे ये और दो फंदे इस तरफ तो ये हुए चार फंदे तो टोटल अठतालीस फंदे फोर्टी एट स्टिचेस हमने बासठ में से घटाए बाकी हमारे पास बचे चौदह फंदे जो हैं ये हमारे पास दो चार छ आठ दस बारह और चौदह लास्ट में हमारे पास ये चौदह फंदे बचे जिस तरह हमने अपनी एक बाजू बनाई बिल्कुल सेम वैसे ही हमने अपनी दूसरी बाजू भी बनाई तो ये मैंने ये भी बना ली है ये जो बाजू है जब हम इसको सिलेंगे तब ये अपनी पूरी शेप में आएगी तो ये है इसकी लेंथ बिल्कुल इक्वल एक दूसरे के ऊपर रख के हम इसको जो है अभी मेजर कर रहे हैं तो ये हमारी है बाजू तो दोनों बाजू हमारी कंप्लीट होगी इससे पहले हमने हमारा अगला और पिछला हिस्सा कंप्लीट किया अब हम इससे जो आगे का हिस्सा बनाना है वो शुरू करेंगे हम जो ये स्वेटर बना रहे हैं इसमें हमने साइड में बटन पट्टी बनानी है ये जो रेगलान की शेप है इस तरफ हमने बटन पट्टी बनानी है तो ये जो हम बटन पट्टी बनाएंगे वो हमें बनानी है अभी ये मैं इस तरह से एक बार रख रही हूँ पूरी सिमेट्री में क्योंकि यह है एक हिस्सा ये बाजू है बाजू के साथ होगा हमारा यहाँ पे ये दूसरा हिस्सा और इस तरफ होगी हमारी ये वाली बाजू तो यहाँ पे हमें आ, हमारे जो ये रेगलान है रेगलान के साथ हमें पट्टी बनानी है तो दो हिस्सों में हमें पट्टी बनानी है एक तो ये वाला हिस्सा जो मेन पार्ट है और एक है बाजू का हिस्सा यहाँ पे ये दो हिस्से हम लेंगे जिसमें कि ये आपस में जो एक दूसरे के अपोजिट हैं इसमें हमने जो पट आ, बटन पट्टी बनानी है एक तरफ की बटन पट्टी में हम बटन होल्स बनाएंगे और दूसरे तरफ की बटन पट्टी हम प्लेन बनाएंगे ये साइडों के दोनों हिस्से मैं यहाँ से उठा लेती हूँ और ये जो मेरे पास ये मेन दो हिस्से हैं इनको मैं मार्क कर दूँ यहाँ पे इस बाजू को मैं रही करी कि यहाँ पे हमने जो है इस तरफ बटन पट्टी बनानी है और ये जो हिस्सा है यहाँ से मैं अपनी बटन पट्टी की शुरुआत करूँगी अभी हम यहाँ पे ऊन अटैच करके जो है नए फंदे बनाएंगे तो हमें समिट्री वो चाहिए जो हमारी बॉर्डर की है कि स्टार्टिंग में दो फंदे जो है सीधे होंगे तो लास्ट में भी हमारे पास दो फंदे सीधे ही चाहिए तो यहां पे मैं ऊन थोड़ी एक्स्ट्रा रखूंगी ताकि बाद में हमारे पास वो सिलने के भी काम आए तो ये यह मैं यहां से फंदे जो हैं वो बनाने शुरू करूंगी क्योंकि इससे हम बाद में जो है सिलने का काम भी ले लेंगे तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वूल रख रही हूँ और ये मैंने नॉट लगा दी है उनको अटैच करके तो यहाँ हम नए फंदे बनाएंगे हर चेन में से एक फंदा लेकिन हमें अपने फंदों की समेट्री का भी ध्यान रखना है कि हमारे जो फंदे हैं उनकी जो समिट्री है वो हो दो सीधे दो उल्टे और लास्ट में भी हमारे पास अगर सीधा आ, सीधी तरफ़ से हम आ, स्टार्ट दो फंदे सीधे सीधे बुनते हुए कर रहे हैं तो एंड में भी हमारे पास दो फंदे सीधे ही होने चाहिए तो उस हिसाब से या तो हमारे पास बाईस फंदे हों या फिर छब्बीस फंदे हों तो अभी मैं देखती हूँ कि यहाँ पे हम कितने नए फंदे बना पाते हैं हर चेन में से हमें एक नया फंदा लेना है यहाँ पे कितने नए फंदे बनते हैं अब वो देखते हैं बीच में मैं एक बार जो है एक चेन से दो फंदे भी नए बनाती हूँ ताकि हमारे पास जो फंदों की सिमेट्री है एंड तक वो पूरी हो मैंने हर चेन में से एक फंदा बनाया है लेकिन दो बार मैंने जो है एक चेन से दो फंदे बनाए हैं तो अभी जो है देखते हैं हम एंड पे जाके हमारे पास कितने फंदे बनते हैं या बाईस या फिर छब्बीस फंदे चाहिए हमें ताकि हमारे फंदों की सिमेट्री जो है दो सीधे और दो उल्टे की वो सही रहे यह लास्ट लास्ट वाले में से फंदा लेना बहुत जरूरी होता है लास्ट की चेन से अब मैं यहां पे अपने फंदों को दो दो करके काउंट करूंगी दो दो करके अपने फंदों को काउंट करेंगे यहां से दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम जब ये फंदे अपना बॉर्डर शुरू करेंगे तो एक फंदा यहाँ पे ये दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे एक जगह पे ताकि हमारे पास जो फंदे हैं वो पूरे हों तो स्टार्टिंग का पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे पहला फंदा अभी हमें हमने नए फंदे बनाए हैं तो ये एच स्टिच है इसको भी हमें बुनना है तो यहाँ पे ये उल्टी सिलाई है तो उल्टी सिलाई में हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे और ये दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे। यहाँ पे ये फंदा एक्स्ट्रा है तो ये मैं दो इकट्ठे बुनूंगी ताकि हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा फंदा है वो हमारा पूरा हो जाए तो दो फंदे उल्टे ये दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे और ये दो फंदे सीधे एंड में भी हमारे पास दोनों फंदे उल्टे होने चाहिए दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे और ये दो फंदे सीधे और लास्ट के दोनों फंदे हमारे पास उल्टे आएंगे तो ये है हमारे फंदों की समेट्री अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ अब यहाँ पे हम आ, तीन सिलाई बुनेंगे तीन सिलाई बुनने के बाद हमने बटन होल्स बना रहे हैं तो यहाँ अभी मैं दो सिलाई और बुनूंगी और उसके बाद हम तीसरी सिलाई तो में बटन होल्स बनाएंगे तो अभी हमने तीन सिलाई बना ली है दो सिलाई उल्टी बुनी है हमने और एक सिलाई सीधी बुनी है एक सिलाई सीधी तरफ से दो सिलाई उल्टी तरफ से तो तीन सिलाई हमने बना ली है ये हमारी चौथी सिलाई है इसमें हम बटन होल बनाएंगे तो बटन होल के लिए यहाँ पे मैं पहले छः फंदे बुनूंगी पहला फंदा बिना बुने उतारा दूसरा फंदा सीधा बुना दो फंदे उल्टे और ये दो फंदे सीधे और यहाँ पे हम बनाएंगे बटन होल उनको पीछे ही रखेंगे और ये दोनों फंदे इकट्ठे बुनेंगे यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक बटन होल अब फिर छ फंदे एक दो तीन चार पाँच और ये और ये हमारा बनेगा दूसरा बटन होल ऊन पीछे ही रखेंगे और ये दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे तो ये बन गया हमारा दूसरा बटन होल अब फिर छः फंदे एक दो तीन चार पाँच और ये छः और यहाँ पे बनेगा हमारा तीसरा बटन होल और एक बटन होल हमें जो हमारा गले का बॉर्डर होगा उसमें भी बनाना है तो ये हमने तीन जो है बटन होल बनाए और ये दो फंदे सीधे तो ये होगी टोटल चार सिलाई चार सिलाई के बाद मैं तीन सिलाई और बुनूंगी फिर देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी तो ये हम यहां से मैं रिप uh, पैटर्न जो हम बना रहे हैं दो सीधे और दो उल्टे का बुनते हुए तीन सिलाई और बुनूंगी टोटल सात सिलाई बुनेंगे हम अपने बॉर्डर के लिए ये जो हम साइड पट्टी बटन पट्टी बना रहे हैं साइड में इसके बॉर्डर के लिए टोटल सात सिलाई बुनेंगे तो ये हमने तीन सिलाई पहले बुनी और उसके बाद चौथी जो हमारी सिलाई थी उसमें हमने बटन होल्स बनाए और उसके बाद बटन होल बनाने के बाद तीन सिलाई हम और बुनेंगे ये मैं पहली सिलाई बुन रही हूँ इसके बाद हम दो सिलाई जो है वो और बनाएंगे इसी पैटर्न के साथ दो सीधे और दो उल्टे फंदे बुनते हुए तो ये हमने सात सिलाई का ये जो बॉर्डर है वो कंप्लीट कर लिया है तो अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे ये जो हमने फंदे बाइंड ऑफ करने हैं ये हम आ, ये जो हमारी आठ नंबर की सिलाई है फोर एम एम नीटिंग इसके साथ करेंगे क्योंकि हम इसको टाइट बाइंड ऑफ नहीं करेंगे इसको लूज बाइंड ऑफ करना है हमें तो अब मैं यहाँ पे इन फंदों को एक एक करके बाइंड ऑफ करूँगी सीधे फंदे जो हैं उनको सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे और जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे ये टोटल हमने जो नए फंदे बनाए थे वो थे हमारे पास छब्बीस फंदे छब्बीस दो चार छः, आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, अच्छा, बीस बाईस पच्चीस छब्बीस छब्बीस फंदे थे हमारे पास तो सात सिलाई हमने बुनी जिसमें से चौथी सिलाई में हमने बटन होल्स बनाए तीन बटन होल हर छः फंदों के बाद तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ करूँगी लास्ट वाला फंदा हम रख लेंगे क्योंकि लास्ट वाला फंदा जो है उसी के साथ हम अपने गले के जो फंदे हैं वो नहीं बनाएंगे तो ये हमने एक एक करके सारे फंदे जो हैं अपने वो बाइंड ऑफ कर दिए हैं इस तरह से और इस फंदे को हमने बाइंड ऑफ नहीं करना है ये हो गया हमारा कंधे का बॉर्डर इस तरह से अब हम आ, ये एक फंदा जो है निकल गया अब हम जो दूसरा हिस्सा है हमारा बाजू का उसको भी इसी तरह से आ, नए फंदे बनाएंगे छब्बीस फंदे और सात सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे और सात सिलाई का बॉर्डर बनाने के बाद हम ये हमने एक एक करके सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिया फिर दोबारा अपनी दस नंबर की स्लाईड पे आगे थ्री पॉइंट टू फाइव एम एम नीटिंग नीडल और यहां पे हम ये जो साइडों के फंदे हैं यहां से नए फंदे बनाएंगे दो तीन चार पांच और ये सेंटर से छः और यहाँ पे ये जो फंदे हैं इनके साथ इनको मैच कर देंगे और इसको हम फिलहाल यहीं छोड़ देंगे और हमारी जो बाजू है उसकी बटन पट्टी बनाएंगे जो बाजू की बटन पट्टी बनानी है बिल्कुल सेम बनाएंगे लेकिन हम बाजू की बटन पट्टी में बटन हो नहीं बनाएंगे तो अभी मैं अपनी बाजू की बटन पट्टी को पूरा करूंगी तो ये हमने बाजू जो है उससे भी ये नए फंदे बनाने शुरू कर दिए हैं बटन पट्टी के लिए छब्बीस फंदे बनाएंगे और सात सिलाई इसकी बनाएंगे ये जो हमारा बॉर्डर है लेकिन इसमें हमने बटन होल नहीं बनाना सात सिलाई के बाद फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे उसके बाद सारे फंदे इकट्ठे करके हम हमारा जो गला है गले का बॉर्डर है वो बनाएंगे तो यहाँ पे ये मैं फंदे बना रही हूँ और इसके बाद मैं इसे सात सिलाई के साथ पूरा करूँगी सात सिलाई बुन के अपनी जो बटन पट्टी है उसको बनाऊँगी बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरह से हमने जो मेन हिस्सा है उसके साथ पहले बटन पट्टी बनाई है बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस हिस्से में हमने जो बटन पट्टी है उसमें हमने बटन होल्स बनाए हैं इस हिस्से में हम बटन होल्स नहीं बनाएंगे तो ये होगी हमारी ये हो गए हमारे फंदे जो हमने नए बनाए हैं एक पर काउंट कर लेते हैं कितने फंदे हैं चौबीस फंदे हमें चाहिए तो यहाँ पे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस हैं तो दो फंदे यहाँ पे मैं और नए बनाऊंगी तो यहाँ से ये हो गया पच्चीस और ये छब्बीस और छब्बीस फंदों के साथ अब हम अपना बॉर्डर जो है वो कंप्लीट करेंगे ये जो हमने हमारी बाजू के साथ बॉर्डर बनाना था बटन पट्टी के लिए वो बना लिया है ये बॉर्डर हमने छब्बीस फंदों के साथ बनाया है सात सिलाई की लेंथ से हमारा जो दूसरा हिस्सा था जिसमें कि हमने बटन होल्स के साथ अपनी बटन पट्टी बनाई है उसमें भी हमने छब्बीस ही फंदे लिए थे और उसमें सात सिलाई बुनी थी इस हिस्से में भी हमने सात सिलाई ही बुनी है अब हम इन सारे फंदों को इकट्ठा करेंगे इन सारे हिस्सों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम इसका गले का जो बॉर्डर है वो बनाएंगे तो यहाँ मैं इसको जो है सारे फंदे इकट्ठे करने से पहले गले के लिए अपने सारे हिस्सों को चार के चार हिस्सों को सिमेट्री में रखूँगी ताकि हम फिर उसी सिमेट्री में अपने जो ये चारों हिस्से हैं उनको आपस में जोड़ें। तो ये बॉर्डर वाला हिस्सा है बॉर्डर वाले हिस्से के साथ हमारा ये दूसरा बॉर्डर वाला हिस्सा होगा और इसके साथ होगी हमारी ये दूसरी बाजू और बाजू के बाद होगा हमारा लास्ट वाला हिस्सा तो स्टार्ट करेंगे हम इस हिस्से से हमारे पास ये जो चारों हिस्से हैं इनके टोटल फंदे जो हैं हमारे पास वो हैं छियानवे फंदे अगला और पिछला हिस्सा उसमें चौथी चौथी फंदे थे अड़सठ फंदे सिक्सटी एट क्योंकि दोनों में थर्टी फोर थर्टी फोर स्टिचेस हैं और हमारी जो बाजू है बाजू में हैं चौदह चौदह फंदे जो कि हुए टोटल अट्ठाईस फंदे फोर्टीन और फोर्टीन ट्वेंटी एट तो टोटल हुए हमारे पास छियानवे फंदे नाइन्टी सिक्स स्टिचेस हमारी जो ये बॉर्डर वाला जो ये हिस्सा है इसमें हमने यहाँ छः फंदे नहीं भी बनाए थे इस बॉर्डर इस बटन पट्टी के ऊपर तो ये छह फंदे हमारे पास दूसरी तरफ भी बनेंगे तो टोटल हमारे पास ये जो फंदे हो जाएंगे 108 हमें यहाँ पे टोटल फंदे जो चाहिए नब्बे या फिर आ, होंगे हमारे पास चौरानवे नाइनटी फोर स्टिचेस तो सबसे पहले हम अपने फंदो ये जो चारों हिस्से हैं इनको आपस में जोड़ेंगे यहां से शुरू करते हुए दस नंबर की सिलाई है इंडियन दस नंबर तो ये मैंने आ, ये जो हमारी बटन पट्टी थी इससे छह फंदे नए बनाए थे ये है वो छह फंदे तीन चार पाँच और छः और उसके बाद है हमारे अगले फंदे तो यहाँ पे हम जो है आ, लास्ट वाला फंदा लास्ट वाले फंदे तक इन फंदों को बुनेंगे और बुनते हुए बिल्कुल सीधा बुनेंगे इनको कोई इसमें पैटर्न नहीं डालेंगे सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं और लास्ट तक लेके जाएंगे उन फंदों को ये जो एक्स्ट्रा वाला है यहाँ पे इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ये ऊल यूज़ नहीं होगी हमारी तो मैं इस ऊन को यहाँ पे टक कर दूँगी इस तरह से ताकि खुले ना और बाद में सुई के साथ इसको हम अंदर जो है इसके नीचे तक ले जाते हुए इसे टक करेंगे सुई के साथ जिस तरह से करते हैं तो सबसे पहले मैं इन फंदों को सारे फंदों को बुनते हुए लास्ट के दो फंदों तक जाऊंगी और इसे जो हम बुन रहे हैं दस नंबर की स्लाई जिससे कि हमने अपना बॉर्डर बुनना है इंडियन दस नंबर थ्री पॉइंट टू फाइव एम एम तो ये हम बुनते हुए अपने लास्ट वाले फंदों तक आ रहे हैं अब लास्ट वाले फंदे को मैं एज इट इज ही दूसरी स्लाईड पे ले रही हूं इसके साथ हमने वो वाली बाजू जोड़नी है जिसमें बॉर्डर नहीं है इसके दोनों तरफ कोई बॉर्डर नहीं है तो इस हिस्से के साथ हम ये जो बाजू का हिस्सा है उसको जोड़ेंगे और ये मैं यहाँ पे ये जो एक फंदा हमने बुना नहीं था उसको मैं वापस जो है दूसरी स्लाइड पे लूँगी और यहाँ हम इन दो फंदों को इकट्ठा बुनेंगे दो का एक करेंगे वो इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे कोई गैप ना आए बाकी के सारे फंदे ऐसे ही बुनेंगे लास्ट के दो फंदों को छोड़ के तो ये हम ये लास्ट के दो फंदे हैं इनमें से एक फंदा बुना और इस फंदे को हमने ऐसे ही उतार लिया अब यहाँ इसके साथ जो है हमारा ये वाला हिस्सा जुड़ेगा मेन पार्ट जो है जिसमें कि बॉर्डर नहीं है क्योंकि बॉर्डर वाला हिस्सा हम ऑलरेडी अपनी स्लाइड पे ले चुके हैं तो ये लास्ट वाला फंदा वापस अपनी सिलाई पे लिया उल्टे हाथ की सिलाई पे और यहाँ मैं आ, ये जो है हमारी वूल है दूसरी इसको मैं यहाँ इस तरह से ले लूँगी और हम ये दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे बाजू का एक फंदा और ये जो मेन पार्ट है उसका फंदा और बाकी के सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे लास्ट के दो फंदों तक इस तरह से तो ये आगे हम अपने लास्ट के फंदों पे और लास्ट वाला फंदा इस लाई पे लिया अब हम इसके साथ जो है लास्ट वाली बाजू जिसमें कि हमारा बॉर्डर है उसको जोड़ेंगे तो यहाँ दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे इस तरह से हमने टोटल जो है इस लाई में एक दो और तीन तीन फंदे घटाए हैं तो ये हम अपने फंदे बुनते हुए बाजू के लास्ट फंदे पर पहुंच गए और यहाँ हम ये जो हमारी बटन पट्टी है इसके ऊपर छह नए फंदे बनाएंगे जिस तरह से हमने हमारा जो अगला हिस्सा था उसमें उसकी बटन पट्टी में छः नए फंदे बनाए थे तो ये हो गया एक दो तीन चार पाँच और ये हो गया छठा फंदा छः फंदे तो हमने बारह फंदे नए बनाए ट्वेल्व स्टिचेस छः फंदे एक बटन पट्टी पे और छः फंदे हमने बनाए दूसरी बटन पट्टी पे हमारे पास टोटल फंदे जो थे यहाँ पे चौतीस फंदे हमारे पास अगले हिस्से के चौतीस फंदे पिछले हिस्से के अड़सठ फंदे थर्टी फोर थर्टी फोर सिक्स चौदह चौदह फंदे थे हमारे पास बाजुओं के दोनों के तो चौदह और चौदह अट्ठाईस तो टोटल फंदे हुए हमारे पास छियानवे फंदे छे और बारह फंदे हमने जो है वो नए बनाए अपनी बटन पट्टियों के ऊपर तो टोटल फंदे हुए हमारे पास 108 फंदे लेकिन हमने यहां तीन फंदे जो थे वो कम भी किए क्योंकि ये यह जो जब एक हिस्से को बाजू के साथ जोड़ा बाजू को दूसरे हिस्से के साथ जोड़ा दूसरे हिस्से को अगली बाजू के साथ जोड़ा तो तीन बार हमने जो दो फंदे इकट्ठे बुने तीन एक दो और तीन तीन बार हमने दो दो फंदे इकट्ठे बुने तो 108 में से तीन फंदे निकाल के हमारे पास बचे 105 फंदे हमें टोटल चाहिए 90 फंदे अपने गले के बॉर्डर को बनाने के लिए तो अभी मैं जो हमारी अगली सिलाई होगी उसमें मैं अपने फंदों को इक्वल करूंगी 90 फंदों के तो यहाँ 10 नंबर की सिलाई ही हम लेंगे अगर आप चाहो तो इसमें बॉर्डर भी शुरू कर सकते हो लेकिन फंदों की समिति जो है वो अ Uh, कई बार ये होता है कि फंदे ज़्यादा या कम हम घटा पाते हैं तो इसलिए इस लाइन में हम अपने फंदों को इक्वल करेंगे नब्बे फंदों के एक सौ पाँच फंदे हैं हमारे पास अभी तो एक सौ पाँच में से हमें नब्बे फंदे करने हैं तो मुझे पंद्रह फंदे घटाने हैं तो यहाँ से मैं जो साइडों के छः छः फंदे हैं बटन पट्टी के ऊपर उन फंदों में हम फंदे नहीं घटाएंगे लेकिन जो बीच वाले हिस्से हैं हमारे उसमें हमने टोटल पंद्रह फंदे घटाने हैं ताकि हमारे पास लास्ट में नब्बे फंदे रहें तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी बीच बीच में अपने हिसाब से जो है हम दस फंदों के बाद या फिर बारह फंदों के बाद जो है हम अपने दो दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे ताकि हम नब्बे फंदे बना पाए अपने फंदों से तो यहाँ मैं ये पूरी सिलाई उल्टी बुनते हुए अपने फंदों को घटाऊंगी और एक सौ फंदों में से हम नब्बे फंदे जो हैं अपने बनाएंगे उल्टी सिलाई में हमने फंदे घटाए ताकि हमारे पास नब्बे फंदे हो जाएं हमारे गले के बॉर्डर के लिए ये मेरे पास अब टोटल नब्बे फंदे हैं अपने गले का बॉर्डर बनाने के लिए अभी मैं अपने गले का बॉर्डर शुरू करने से पहले दो दो फंदे करके अपने फंदों को काउंट करूंगी यहाँ से दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अठत्तीस चालीस बयालीस चौतालीस, छियालीस अठतालीस पचास बावन चौवन छप्पन अट्ठावन साठ बासठ चौंसठ छियासठ अड़सठ सत्तर बहत्तर चौहत्तर छिहत्तर अस्सी बयासी चौरासी छियासी अट्ठासी और दो नब्बे तो ये हो गए हमारे पास नब्बे फंदे नाइन्टी स्टिचेस अब हम नब्बे फंदों के साथ आठ सिलाई बुनेंगे चार सिलाई सीधी तरफ से और चार सिलाई उल्टी तरफ से और हमारा जो है पैटर्न वही रहेगा दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे और इसमें हमने दो सिलाई बुनने के बाद तीसरी सिलाई में ये जो हमारे छः फंदे हैं इनके सेंटर में एक बटन होल भी बनाना है और ये हमारा जो बटन होल होगा ये होगा हमारा जो मेन हिस्सा है जिसमें हमने पहले भी बटन होल बनाए हैं मेन हिस्से का जो हमारा बॉर्डर है बटन पट्टी का उसमें हम बटन होल बनाएंगे तो यहाँ पे मैं ये जो दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे बुनते हुए अपने आठ सिलाई का बॉर्डर जो है उसको पूरा करूँगी और साथ में आ, हम एक बटन होल भी बनाएंगे जिस तरफ हमने पहले भी बटन होल बनाए हैं तो यहाँ पे हम नब्बे फंदों के साथ अपने गले का बॉर्डर पूरा करेंगे आठ सिलाई का नब्बे फंदों के साथ आठ सिलाई हमें बनानी थी गले के बॉर्डर की दो सीधे और दो उल्टे फंदे बुनते हुए जो कि हमने कंप्लीट कर ली है अब मैं अपने फंदों को बाइंड ऑफ करूंगी और जब हमने ये आठ स्लाई बुनी है तो उसमें हमने एक बटन होल भी बनाया है चार स्लाइ के बाद तो ये है हमारा चौथा बटन होल ये जो हमारा आ, हमारी साइड की बटन पट्टी है उसमें आ, ये जो चौथा बटन होल हमने बनाया है वो गले के बॉर्डर में बनाया है अब हम अपने फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे मैं इनको बाइंड ऑफ जो है इनकी शुरू करूँगी पहला फंदा बिना बुने उतारा अब जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बुनना है जो सीधा है उसको सीधा बुनना है तो इस तरह से हम जो है बॉर्डर है उसको हम बाइंड ऑफ करते हैं कि सीधे फंदे को सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे मैं जो है एक एक करके अपने फंदों को बाइंड ऑफ करूंगी ये जो उल्टा फंदा है उसको हमने उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करना है और जो सीधा फंदा है उसको हमने सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करना है तो इस तरह से एक एक करके सारे फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे और जैसे ही हम अपने फंदे बाइंड ऑफ करेंगे हमारा जो ये स्वेटर है उसकी बुनाई पूरी हो जाएगी ये लास्ट रो है हमारे स्वेटर की जो कि हम बुन रहे हैं अपने फंदों को बाइंड ऑफ कर रहे हैं गले के फंदों को नब्बे फंदे हैं ये टोटल और आठ सिलाई है दो आ, सीधे और दो उल्टे फंदे बुनते हुए और ये जो आठ सिलाई है चार सिलाई हमने सीधी तरफ से बुनी है और चार सिलाई हमने बॉर्डर की उल्टी तरफ से बुनी है चौथी सिलाई के बाद हमने इसमें एक बटन होल भी बनाया है जिस तरफ हम पहले भी जिस तरफ हम बटन पट्टी में बटन होल बना रहे थे तो लास्ट वाला जो हमारा बटन होल है वो गले के बॉर्डर पे बनेगा तो जो हमने बनाया यहाँ पे अब मैं इन सारे फंदों को एक एक करके बाइंड ऑफ करूंगी तो ये एक, एक करके हम जो है अपने एंड वाले फंदे हैं हमारे जो वहाँ तक पहुँच गए अपने फंदों को बाइंड ऑफ करते हुए हम जो बॉर्डर होता है उसको बाइंड ऑफ करते हैं तो सीधे फंदे को सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करते हैं और उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करते हैं यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है कि जो सीधा फंदा है उसको सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ किया है और जो उल्टा फंदा है उसको उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ किया है तो ये होगी हमारी बुनाई कंप्लीट हमारे इस स्वेटर की और जितनी भी एक्स्ट्रा वूल है इसको बाद में हम सुई के साथ अंदर टक कर देंगे और थोड़ी एक्स्ट्रा वूल रखेंगे ताकि हमें सुई के साथ टक करने में ये इजी रहे तो ये होगी हमारी स्वेटर की बुनाई इस तरह से हमारा जो ये स्वेटर है इसको सिलना कैसे है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए हमने अपने स्वेटर की एक साइड की बाजू और जो अगला पिछला हिस्सा था वो सिल लिया है तो अभी हमें दूसरे तरफ का जो बाजू और अगला पिछला हिस्सा है उसको सिलना है इस तरफ हमारी बटन पट्टी है तो इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से सिलना होगा यहाँ पे आ, ये जो बाजू और पिछला हिस्सा इसको हमने जोड़ना था वो हम जोड़ चुके हैं आ, ये बटन पट्टी वाला हिस्सा अभी हमें नहीं जोड़ना सबसे पहले हम बाजू और अगले पिछले हिस्से को सिलेंगे तो यहां से जो है हम अपनी जितनी भी हमारी वूल है पहले तो उसको इकट्ठा करेंगे तो उसके बाद हम ये है हमारी यहां पे वूल इसको हम साइड पे करेंगे ये हमारे बाद में काम आएगी तो इससे हम यहाँ पे मैं आपस में इसको जोड़ देती हूँ इस तरह से तो ये हमने इसे आपस में जोड़ लिया है अब सबसे पहले हम बाजू की सिलाई करेंगे और उसके बाद हम जो हमारा अगला और पिछला हिस्सा है उसको जोड़ेंगे ये जो मैंने इसकी एक तरफ की सिलाई की है एक तरफ इसको सिला है उसे किस तरह से सिलना है उसका पूरा आपको वीडियो जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से इसको देख सकते हो उसमें मैंने पूरी डिटेल डाल रखी है कि जो रेगलान का स्वेटर होता है उसको सिलते कैसे हैं इसमें एक साइड पे खुला है जो हमारी बटन पट्टी है इस वजह से मैं जो है यहाँ पे एक साइड जो है हमारी उसको मैं यहाँ सिल रही हूँ अदरवाइज़ क्या है कि पूरी वीडियो में मैंने बता रखा है कि अगर रेगलान का स्वेटर होता है तो उसको हम किस तरह से सिलते हैं तो यहाँ पे एक तरफ मैं अपनी बाजू सिलूंगी और दूसरी तरफ मैं अपनी अगला और पिछला हिस्सा है जो उसकी सिलाई करूंगी हमारी जो ये बटन पट्टी है इसको हम लास्ट में फिनिश करेंगे तो यहाँ पे हम एक एक करके अपनी बाजू और ये जो मेरा अगला पिछला हिस्सा है इसकी सिलाई करेंगे तो ये हमने अपने स्वेटर का ये वाला हिस्सा और ये बाजू का हिस्सा इसे भी सिल लिया है अब सिर्फ हमारी बटन पट्टी जो है वो रहती है जिसे अब हम फिनिश करेंगे तो इसके लिए ये जो ऊन है ये ऑलरेडी के साथ ही अटैच है तो इसी को हम यूज़ करेंगे इसके लिए इस तरह से और यहाँ पर ये जो हमारी बटन पट्टी है इसे इस तरह से रखते हुए हम इसे सिलेंगे बहुत ध्यान से ऐसे इसको आ, ये जो है इस हिस्से के साथ छोड़ते हुए इस तरह से हम इसे सिलेंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ये गैप है ये गैप ना रहे तो मैं इसको पहले तो ये लास्ट में लेके इसको इस तरह से दोनों तरफ से एक जो है नीचे से नीचे वाली जो बटन पट्टी है वहां से एक चेन लेंगे और एक चेन ऊपर वाली बटन पट्टी से लेंगे और इसे हम आपस में सिलेंगे और ये जब हम सिलेंगे तो अपने आप ही इसका आइडिया आ जाता है सिलते हुए तो यहाँ पे ये मैंने अपनी बटन पट्टी जो है इसको आपस में सिल दिया है अब ये हमारे पास यहाँ पे जो गैप है इसी वूल से अब हम इस गैप को भी पूरा करेंगे और ये हमारा इसी के साथ हमारा जो ये कार्डिगन की बुनाई और सिलाई कंप्लीट हुई और इसको हम फिनिश करेंगे बटन्स के साथ जो मेरे पास हैं बटन्स अब ये जो पट्टी है पट्टी सिलने के बाद मैं यहाँ पे इसके जो इसके बटन्स हैं वो लगाऊंगी तो ये होगी हमारी बटन पट्टी की सिलाई बहुत ही आसानी से जो है हमने अपनी बटन पट्टी को सिल दिया है अगर मैं यहाँ से देखूँगी तो ये इस तरह से हमारी जो ये बटन पट्टी है वो कंप्लीट हुई अब ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जो है इसको आ, ये फाइनली जो सारा वो है आपस में इसको जोड़ते हुए जितना भी हमें लगता है कि जितना हम इसको आपस में जोड़ सकते हैं और उसके बाद हम ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट कर देंगे और ये होगी हमारी बटन पट्टी इसके फंदे कैसे डालने हैं और इसको सिलना कैसे है रेगलान की पूरी जो डिटेल है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपने जो चैनल पे डाल चुकी हूँ तो वहाँ से आप जो है ये देख सकते हो इस और ये हर चीज़ के हम चाहे वो फंदे कैसे डालने हैं रगलान के फंदे घटाने कैसे हैं रगलान को सिलना कैसे है पूरे जो वीडियो है मेरे उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो देख सकते हो तो ये हो गया हमारा बटन पट्टी फाइनली डन और मैं यहाँ इसको अब जो वूल है इसे हम कट कर देंगे स्वेटर कम्पलीट हुआ हमारा अब हमने इसमें इसका मेकअप करना है बटन्स के साथ तो मैं यहाँ पे मेरे पास चार बटंस हैं और यहाँ हम वो चार बटन्स हैं वो लगा देंगे ये है हमारी आ, वो बटन वाले बटन पट्टी जिसमें ये बटन होल्स हैं नीचे वाले हिस्से में हम बटन लगाएंगे तो अभी मैं इसको बटन्स लगा के फिनिश करूंगी हमने अपने स्वेटर में बटन्स लगा लिए हैं और हमारा स्वेटर बनके तैयार हो गया तीन से चार साल के बच्चे का ये स्वेटर है इसे हमने बनाया है रेगलान में बॉटम टू टॉप ये जो हमारा बॉटम का बॉर्डर है यहाँ से शुरू करते हुए नेक के बॉर्डर तक बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी ये जब स्वेटर हमने बनाना शुरू किया था तो मेरे पास तीन बॉल वूल के थे तीन सौ ग्राम टोटल वूल थी जिसमें से हमारे स्वेटर में सिर्फ दो सौ ग्राम वूल लगी है और सौ ग्राम वूल हमारे पास बचती है तो हम सौ ग्राम वूल जो है उसके साथ एक कैप बनाएंगे देखते हैं कि उसमें कितनी वूल लगती है तो अगली वीडियो में हम इसी स्वेटर के साथ मैचिंग जो है कैप बनाएंगे तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और उसमें बनाएंगे हम इसी स्वेटर के साथ की मैचिंग कैप तब तक के लिए गुड बाय